फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम बताएंगे पुलिस स्टेशन के बारे में। बहुत से केस होते हैं, यह हर किसी को पता है या हर ऑफिसर को पता है कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में 10 केस जाते हैं तो 10 में से एक या दो केस पे ही FIR किए जाते हैं। FIR क्यों कम किए जाते हैं? क्योंकि इसका प्रोसीजर काफ़ी बड़ा होता है, पुलिस को भी काफ़ी काम बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केस में पुलिस को FIR लेना ही पड़ता है जो कि जरूरी होते हैं, जैसे किसी रेप केस हो, मर्डर केस हो। बहुत सी ऐसी धाराएं लगती है जो पुलिस नज़रअंदाज नहीं करती है, उस पर FIR लेती है। और किस केसेस को नज़रअंदाज करती है, जैसे कि आजू बाजू में कुछ नॉर्मल सा झगड़ा हो गया हो या फैमिली मैटर हो, तो ये कहती है पुलिस कि बाहर जाके आप सेटलमेंट कर लो, हम FIR ले लेंगे तो फिर कुछ नहीं आप कर पाओगे, आप सोच समझ कर FIR कराइए। लेकिन एक बहुत ही अहम केस आया है मलाड वेस्ट मालवनी में कि एक पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर खिला दिया, जिसका बाकायदा मेडिकल हुआ है। डॉक्टर की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि हाँ, उसको पॉइजन खिलाया गया था। उसके बावजूद पुलिस ने FIR नहीं लिया बल्कि एक NC देकर छोड़ दिया, उसमें 504-506 लिखकर। अब वो महिला कहाँ जाए मदद मांगने के लिए? उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, वो किसी और के साथ अफेयर में था जिसकी वजह से मारपीट हुई और पत्नी को और बच्चों को जान से मारने की कोशिश की। क्या पुलिस को इस पे ध्यान देना चाहिए या नहीं? अगर पुलिस इनकी मदद नहीं करेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आखिर पुलिस स्टेशन में मदद मांगने कौन जाता है? जो गरीब होता है, बहुत मजबूर होता है, वही पुलिस स्टेशन जाता है मदद मांगने के लिए। अगर वो ताकतवर होता, पैसे वाला होता तो वहीं सेटलमेंट कर लेता, अपना मारपीट कर लेता, उसे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए हम आपको मिलाते हैं इस महिला से जिसने जहर खाया, उसके पति ने उसके मारपीट के जहर खिलाया, उसके 3 बच्चों को जहर खिलाया, इसका क्या कहना है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666-47-111-0। धन्यवाद। देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। हमारे साथ सहयोगी चैनल न्यूज़ फर्स्ट यहाँ मौजूद हैं। आज हम आए हैं मलाड वेस्ट मालवनी में, अंबुजवाड़ी के इलाके में। यहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी के झगड़े में उसको पॉइजन, चूहे मारने की दवा खिला दिया, और आप देख सकते हैं उनके मासूम बच्चे हैं, 3 छोटे छोटे। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो आगे क्या होता है? उन्होंने अपने बच्चों को भी चूहे मारने की दवा खिलाई थी, हम ये कह सकते हैं पॉइजन खिलाया गया, जहर खिलाया गया जान से मारने के लिए। उसकी शिकायत जब पुलिस स्टेशन में दी गई तो पुलिस में उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आपको हमारे पेपर में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पुलिस स्टेशन का NC कॉपी है। इन्होंने जो जाके पुलिस स्टेशन में बताया तो सिर्फ NC लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये इसके अलावा ये हॉस्पिटल के पेपर्स हैं जिसमें हॉस्पिटल में बाकायदा मेंशन किया गया है जरीना शेख के नाम पे। आप जूम करके दिखा सकते हैं, 20 मिनट पहले हॉस्पिटल में जाने से 20 मिनट पहले इन्होंने जहर इनको खिलाया गया है। आप ये नाम देख सकते हैं, दूसरा नीचे तरन्नुम नाम है जिनका, वो ये बच्ची है। उसके बाद इसमें नाम है शहनाज करम शहनवाज, शहनवाज कौन है बच्चा? ये शहनवाज बच्चा है जिसको इसके डैडी ने जहर खिलाया था। हाँ तो बेटा कैसे खिलाए उन्होंने आपको जहर? हमें बताएंगे। तोड़ के खिलाए थे मुंह में। कैसे खिलाए? ऐसे तोड़े थे, मुंह में डाल दिए, जबरदस्ती डाले थे। तुमको क्या चॉकलेट लगा? नहीं। तो तुमको मालूम था? हाँ। कैसे मालूम था तुमको? ऐसे बोले ए मुंह खोल ना तो बहुत मारूंगा, ऐसे मुंह में ठुसा दिए। अच्छा, तुम्हारा नाम फिर से बोलो। शहनवाज। शहनवाज नाम है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? दिशान। तुम्हारे डैडी का नाम बताओ, तुमको मालूम है? हाँ। क्या नाम है? मोहम्मद अजीज शेख। मोहम्मद अजीज शेख। तुमने कभी मम्मी डैडी में झगड़ा देखा? हाँ। कभी हुआ? कल या परसों हुआ था। परसों हुआ था, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? तरन्नुम। तरन्नुम नाम है। तुमको डैडी ने कैसे खिलाया? क्या बोले, चॉकलेट ऐसा बोले? हाँ। क्या बोले? बोले चॉकलेट ही खा ले। चॉकलेट खा ले? हाँ। तो तुमने खा लिया? नहीं, तोड़ के खिला रहे थे मुझको। तोड़ के खिलाए? तो मतलब तुमको खाने के बाद कैसा लगा? उल्टी हुई? उल्टी हो रही थी। कभी कंटिन्यू बोले उल्टी जाकर गटर में? गटर में उल्टी किया तुमने, ठीक है। अब हम आपकी बात कराएंगे उनकी मम्मी जी से, जो कि सारे हादसे में वो भी थे, उनको भी जहर खिलाया गया था मारपीट कर, हम कह सकते हैं, या उन्होंने किस तरह से खाया उनसे हम जानेंगे। मैडम हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है जरीना शेख, मोहम्मद अजीज शेख। आपकी शादी कभी हुई? हाँ। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ ठीक है। तो आपका झगड़ा क्यों हुआ? मेरा झगड़ा वो लड़की के चक्कर में हुआ कि वो आता था 3-4 दिन से लगातार मारता था मुझे। अच्छा, मतलब हाँ, पति का किसी और लड़की से? हाँ, अफेयर है।
तो मारता था मुझे। मारने के बाद जब खिसी आ गया तो लाके चूहे के दवा हम लोग को खिला दिया। मतलब जब आपको मालूम पड़ेगा उसका किसी और के साथ, हाँ, तो उन्होंने अपनी गलती छुपाने की, हाँ, जान से मारने, हाँ, की कोशिश की, हाँ। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? नहीं, हम लोग अब क्या करेंगे, डरते थे हम लोग इससे, इसके लिए खा लिए हम लोग। मतलब आपने खुद से जहर खा लिया, उनके पहने पे, हाँ, खिलाने पे खा लिया, जबरदस्ती खान खिलाने पे खा लिया। यहाँ पे ऐसी है कि पुलिस स्टेशन आप गए थे, हाँ, पुलिस स्टेशन कौन लेके गया? तो मेरे को चक्कर उक्कर आया नहीं था, तो मैं ही गई थी, वो एक आदमी लड़का लेके गया था मुझे साथ में। नहीं, दिन में 2-2.5 बजे गए थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ। आप पुलिस स्टेशन में किससे मिले थे, ऑफिसर का नाम? हाँ नहीं, वो लेडीज थी, लेडीज ऑफिसर। हाँ ओके। तो उन्होंने उनको आपने क्या बताया और किस तरह से एक्सप्लेन किया? उनको बताइए ऐसा ऐसा है, तो बोले कि हाँ मैं लिख के देता हूँ, आप मुहम्मद चलाओ। बताइए आपके पुलिस स्टेशन में आपने कैसे बात किया? मैंने बताया कि हाँ वो बंदा चूहा का दवा दिलाया मेरे को खाने के लिए, मारा गरियाया, बच्चे लोग के मार रहा था पूरा। तो बोला ठीक है, मैंने आर फायर करके देता हूँ, आप जो उसको मारता हूँ गरियाता हूँ मैं। तो सब मेरे को भगा दिए एनसी करके पुलिस स्टेशन में। हाँ भगा दिए। हाँ क्यों, अब क्या मालूम भगाए, काई के लिए भगा दिए। हाँ हाँ, बोले एनसी हो गया, आपका काम हो गया, जाओ तुम। तो उन्होंने कुछ किया नहीं? नहीं। आपके पति को कभी पुलिस लेने आई? हाँ पुलिस घर पे लेने आई थी, पुलिस लेने आई थी। हाँ। क्या हुआ आगे पुलिस का? मैं इतना बच्चे लोग के दवा खाने लेके चली गई थी मैंने। आप दवा खाने गए? हाँ। ओके। आप कहाँ रहते थे अभी? अभी मैं आगे रहती थी, मगर रूम खाली करा के, और रूम वाला खाली करा दिया मेरे को। क्यों खाली करा दिया? वो भाड़ा नहीं देते थे, इसके लिए खाली करा दिया। ये घर किसका, जहाँ पे? ये मम्मी का घर है। ये मम्मी का घर? हाँ। मम्मी के साथ अभी रहते? हाँ अभी मम्मी के साथ। कुछ महीने काम करते हैं। हाँ ओके। तो आपका शादी 3 साल में, आपकी कितनी बार झगड़े हुए? अरे बहुत दिन से हो रहा है झगड़े हम लोग का, झगड़े बार बार हो रहे। हाँ बार बार। फिर आपको कब मालूम पड़ा? ये मेरे को हुआ 2-3 महीना मालूम। 3 महीने से आपको? हाँ, बात मालूम है। हाँ उसके बाद से आपके झगड़े चालू? हाँ। आपका घर कब खाली हुआ? मेरा अभी खाली हुआ, 1 महीना हुआ। मतलब जब दूसरे से अफेयर हो गया? हाँ। आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं। आपको खर्चा नहीं दिया? नहीं। हाँ अच्छा, क्या नाम है जिसपे अभी फिलहाल फिदा हो गए तुम्हारे हस्बैंड? आमिना नाम है उसका। हाँ ये रहती है 7 नंबर पे। 7 नंबर में कहीं? हाँ। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी मतलब क्या? ड्राइवर, ऑटो। कहाँ पे से कहाँ चलाते हैं? मलाड, बोरीवली स्टेशन। अच्छा मतलब शेयरिंग? हाँ शेयरिंग वाली। नॉर्मली काम करते हैं? हाँ। तो आपको पता है कि रिक्शा वाले नॉर्मल टाइम पे कितना पैसे कमाते हैं? नहीं ये तो नहीं पता सर। मतलब आपको बिल्कुल नहीं? मेरे को जितना देता था 200-100 रुपया 50 रुपया ऐसे देता था मुझे। मतलब रोज का 50? हाँ। रुपया 100 रुपया? हाँ। आपको देते थे? हाँ। मतलब आपके 3 बच्चे हैं? हाँ। घर भाड़े का है? हाँ। खाना लाना है उसमें? हाँ। 200 रुपये में आपका काम हो जाता है? तो वही तो नहीं हो पा रहा था ना, तभी मैं झगड़े करते थे, मगर वो उसका जब ये मालूम पड़ा तो मैंने भगा वो था करी। मतलब आपस में झगड़ा करके ऐसे प्रॉब्लम? हाँ। तो आप देख सकते हैं मासूम जरीना जी यहाँ पे हमारे साथ मिले अंबुजवाड़ी में, जिनके पति ने इनको ज़बरदस्ती जहर खिलाया, बच्चों को भी जहर खिला दिया, चूहे मारने की दवा मार पीट कर। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ने FIR नहीं लिया बल्कि एक NC दिया है, और इनसे कहा कि आप जाइए आपका काम हो गया। अगर पुलिस इसी तरह से काम करेगी तो कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा, और पुलिस पे लोग कैसे भरोसा करके कंप्लेन करवाने जाएंगे? इनका ये भी कहना है कि पुलिस ने कहा जाओ आप पकड़ के लाओ, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर ये पकड़ने जाएंगे तो पुलिस क्या कार्रवाई और किस तरह से कार्रवाई करेगी? गरीब जनता है, पुलिस के पास सिर्फ न्याय मांगने ही जा सकते हैं। पुलिस के पास जाता कौन है? कोई अमीर आदमी या बलशाली आदमी नहीं जाता, जो मजबूर है, गरीब तबके के लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, वही पुलिस के पास मदद मांगने के लिए जाता है। और पुलिस का व्यवहार अगर इस तरह से रहेगा कि आप जाइए उनको पकड़ के लाए फिर हम कार्रवाई करेंगे, तो ये का इंसाफ इनको कभी भी गरीबों को नहीं मिल पाएगा। इसके आगे की एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे पुलिस से बात करने के बाद कि पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है, क्या आगे निर्णय इन्होंने लिया है, इनके पति के ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले हैं। धन्यवाद। कह सकते हैं जिनकी वजह से हमें ये बात मालूम पड़ी कि इस महिला के साथ काफ़ी अत्याचार किया गया है। अब हम उनसे जानेंगे कि उनको ये बात कैसे मालूम पड़ी और वो किस तरह से मदद करने के लिए सामने आए। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं BSP का तालुका अध्यक्ष हूँ, मतलब विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं उसको, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और वो सुबह सुबह ये लोग लड़के लोग हमारे घर पर आ गए, उन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा बताया, कंप्लेंट किया ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मालूम पड़ा जब हमने आपको फ़ोन करके बताया। पुलिस स्टेशन में आप गए थे? नहीं मैं नहीं गया था। आपको तो जाना चाहिए कि आपके एरिया में इस तरह से क्षेत्र में आपके हो रहा है। और तो आज ही सुबह मालूम पड़ा ना जी, आप सुबह। हाँ तो इसके लिए आपने कुछ कार्रवाई अभी तक की है, कुछ लेटर वगैरह आपने दिया है? और तो एक वार्ड अध्यक्ष अपना तालुका अध्यक्ष है ना अपना, और क्या नाम है, भूषण,
उन्होंने दे दिया, वो लिख के रखा है, और इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा। उन्होंने कर दिया सब इसके लिए। धन्यवाद सर।